सिद्धू मूसे वाला जो मारा भाई, तुम्हें क्या मिला मार के यार? यार लॉरेंस बिश्नोई, पर लॉरेंस बिश्नोई ये बंदा जो मारा है ना सिद्धू मूसे वाला, ये मार के तूने गलती करी है। तूने लोगों से अपना प्यार छीन लिया, तेरे जो फॉलोअर्स थे वो तुझे गालियां दे रहे हैं। पर जो ये कांड करा है ना, इससे अपना लाइक्स फॉलोअर्स सब छीन लिया तूने। तुझे गालियां देने का मन कर रहा है हर किसी का। मतलब ये तो जिस तरह बंदा सोया हुआ है चुपचाप, सोए हुए को आगे गोलियां मार देना, वो कहाँ की बदमाशी हुई यार? तुमने पंजाब क्या, तुमने हरियाणा क्या, तुमने अपने पूरा देश तुम्हारे पे थूक रहा है इस टाइम गैंगस्टरों पर। अब उससे क्या मिलेगा? अब वो दूसरे ग्रुप वाले मनकीर थोलक को टारगेट बना के बैठे हैं। अब थोड़े दिनों में मनकीर थोलक का मर्डर हो जाएगा। अब मनकीर थोलक तू बता, तुझे कोई जीने में मजा आ रहा है? अब तेरे अंदर एक मन में तेरे खौफ बैठ चुका है मनकीर थोलक, डर गया तू अंदर से। जिवें कि तुसी वीडियो विच देख रहे हो, ये शख्स जो कि सिद्धू मूसेवाला दे कातल लॉरेंस बिश्नोई नू बड़िया ही लांता पा रहा है। दरअसल एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है, जिन्हें कि सोशल मीडिया से लाइव होकर एक बहुत ही वड्डा खुलासा किया है, जिदे विच ए अपने दोस्त लॉरेंस बिश्नोई नू कह रहा है कि तू सिद्धू मूसेवाला नू मार के बहुत ही वड्डी गलती की है। कल तक तेरी फैन फॉलोइंग काफ़ी सी, तो अज सिद्धू मूसेवाला का कतल करन तो बाद तेन सारा ही यूथ लांता पा रहा है, ते नाल ही इसने होर भी कई वड्डे खुलासे किए ने। ते पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख बारे इसने की कहा है, आओ आप देखते हाँ पूरी वीडियो दे विच। सत श्री अकाल, राम राम। मेरा दोस्तों आज वीडियो बनाने का मकसद ये है, सिद्धू मूसेवाला जो मारा है भाई, तुम्हें क्या मिला मार के यार? यार लॉरेंस बिश्नोई भाई कॉलेज टाइम से तुझे जानते हैं, मेरा नाम फ्रैंकी सेक्टर 24 चंडीगढ़, जानता ही है लॉरेंस भी अच्छे से, ठीक है भाई? तुझे अपा ने कहाँ तक नहीं सपोर्ट करी, हमेशा खुल के सपोर्ट करी है, और तुझे भी यूथ लाइक करता था आज तक। लॉरेंस बिश्नोई तुझे यूथ लाइक करता था, सारे लाइक करते थे, अगर तेरी कोई पोस्ट डल जाती थी नीचे फैन पेज लड़ते लड़ाई हो जाती थी कि ये बंदा सही है वो बंदा सही है, भगत सिंह को लाइक करता है, तेरी भी फॉलोअर्स बहुत थे, तेरी भी लाइक्स बहुत थे। पर लॉरेंस बिश्नोई ये बंदा जो मारा है ना सिद्धू मूसेवाला, ये मार के तूने गलती करी है, तूने लोगों से अपना प्यार छीन लिया है, तेरे जो फॉलोअर्स थे वो तुझे गालियाँ दे रहे हैं। यार तुझे मैं भी आज तक लाइक करता आया था, पर जो ये कांड करा है ना, इससे अपना लाइक्स फॉलोअर्स सब छीन लिया तूने। तुझे गालियां देने का मन कर रहा है हर किसी का, ठीक है? हर कोई बंदे कह रहे हैं कि गैंगस्टरों ने गंद पाया हुआ पंजाब में, गैंगस्टरों ने गंद पाया हुआ। यार तुमने यार ये मारना ही था, इसके चोट चूट मार देते तुम, इसको थोड़ा हाथ पैर तोड़ देते और वार्निंग दे देते कि भाई तेरी ये गलती थी, तूने विक्की मिड्डू खेड़ा की सू दी थी, या जो भी अपना मैसेज देना था दे देते, ताकि फिर वो आके से तुम्हें सफाई देने लायक तो रहता। यार तुम्हें ऐसे मार के क्या मिला? ये तो वो वाली बात होगी कल्ले नू केरन 85। मतलब ये तो जिस तरह बंदा सोया हुआ है चुपचाप, सोए हुए को आगे गोलियां मार देना, वो कहाँ की बदमाशी हुई? ये कोई बदमाशी है यार? बदमाशी तो वो होती हाँ आगे किसी ने थप्पड़ मारा होता इसके, और फिर पता चलता कि मारने आए थे सिद्धू मूसेवाला को, इसको गाड़ी से उतार के थप्पड़ मारते, फिर देखते इसका क्या रिस्पॉन्स था। चाहे तुम चार लड़के होते और ये अकेला होता और कोई असला ना होता, तुम थपड़ो थपड़ी करते, उसे कहते हैं मारना। यार क्या मिला मार के यार? तुमने तो कल्ला बंदा गड्डी में बैठा हुआ चुपचाप, और आके उसे AK-94 जो कि बहुत ही खतरनाक असला है, उससे तुमने गोलियां बरसा दी, उसको तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। ये थोड़ा कह सकते हैं कि भाई एक मारना होता है दोनों साइड से हाथ पार चले, दोनों साइड से, या तो फायरिंग दोनों साइड से हो। यार तुमने पंजाब क्या, तुमने हरियाणा क्या, तुमने अपने पूरा देश तुम्हारे पे थूक रहा है इस टाइम गैंगस्टरों पर, लॉरेंस पर पूरा देश गालियां दे रहा है,
वरना एक टाइम ऐसा था कि देश के जो यंग थे वो तुम्हें लाइक भी करते थे कि नहीं यार लॉरेंस बंदा सही है, तेरी फैन फॉलोइंग थी, पर अब तुझे सब गालियां दे रहे हैं कि बहुत गलत हुआ। अब उससे क्या मिलेगा, अब वो दूसरे ग्रुप वाले मनकीर थोलक को टारगेट बना के बैठे हैं, अब थोड़े दिनों में मनकीर थोलक का मर्डर हो जाएगा और ये सच्चाई है, अब वो छुप छुप के घूमेगा, कोई हुआ फायदा, क्या मिला? अब मनकीर थोलक तू बता, अब तुझे कोई जीने में मजा आ रहा है? अब तेरे अंदर एक मन में तेरे खौफ बैठ चुका है मनकीर थोलक, डर गया है तू अंदर से, तू बाहर जाते हुए बाहर घूमते हुए तेरे अंदर डर, सच बता तेरे अंदर डर बैठ गया है क्या? नहीं, अब तू मार्केट जाता हुआ एक बार को सोचता होगा नहीं यार नहीं जाना अब, और जब तू निकलता भी होगा अपने साथ लड़कों को लेके और सिक्योरिटी लेके, तब भी तेरे दिमाग में डर रहता होगा कि हाई पीछे से ये गड्डी आ रही है, आगे वो गड्डी जा रही है, तेरे अंदर बार बार उस गड्डी में कौन बैठा है यही खौफ रहेगा, और तेरे को टारगेट बना चुके हैं बम्बिया ग्रुप वाले। यार तुमने भाई सिद्धू मूसे वाला को, चाहे हम मैं उसको इंसानी तौर पे लाइक ना करूं, पर उसकी संगीतों से प्यार था, उसके गानों में यार एक एनर्जी थी, बूस्ट कहते हैं ना, जब हम गाड़ी में तेल खत्म हो जाए पेट्रोल डालो तो जल पड़ती है, ऐसे उसके गानों में एक एनर्जी थी जो कि वो कहीं से नहीं मिलेगी। यार तुमने इतने अच्छे संगीत लिखता था वो लिखाई तुमने एक बहुत, और ऊपर से माँ बाप का इकलौता लड़का। तो मैं एक बात बताता हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ ठीक है, और मेरे मम्मी पढ़े लिखे नहीं हैं, और मेरे मम्मी और मेरे पापा मतलब पापा को भी मतलब फिल्में फुल्में देखते नहीं हैं, और पंजाब का तो उनको वैसे ही नहीं पता, पर न्यूज़ में कल से देखी जा रहे थे कि कोई सिद्धू मूसे वाला लड़का मरा है, तो मतलब वो न्यूज़ देख देख के मेरी मम्मी वो पग वाला सीन, वो उसकी माँ बाप को रोते हुए देख के जब पूरी बताई मैंने कि अकेला लड़का था और इतना, मेरी मम्मी कहती है तो हीरा छीन लिया किसी का, मतलब मेरी माँ को भी वो न्यूज़ देख के इतना दुख हुआ जैसे कि पता नहीं कोई अपने रिलेशन में मर गया हो, और जानते भी नहीं थे फिर भी इतना दुख हो रहा था, और जो लोग जानते थे उसे, एक जो माँ बहनें उसे जानती थी गाने सुनती थी पंजाब, वो कितना दुख में होंगे। मेरी मम्मी कहती क्या उसके माँ बाप का हाल हो रहा होगा, और हर कोई ये कह रहे हैं यार बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। मैं एक यूथ के तौर पे बोल रहा हूँ, तुझे एक क्लासमेट के तौर पे बोल रहा हूँ लॉरेंस, एक दोस्त के नाते, एक किस्तानी में किस नाते बोलूँ यार, बहुत गलत कदम उठाया भाई। अब तू हाई कोर्ट में भी पिटीशन दे रहा है, तुझको भी डर है भाई मरने का एक, और तेरे मरने पे अगर होता है तो हमें दुख होता अगर तेरे को भी कुछ हो जाता, पर भाई तूने जो ये सिद्धू मूसे वाला मारा है ना, तो उससे तूने अपनी फैन फॉलोइंग घटवाई है, तेरे ऊपर जो प्यार है वो घटवाया, मान ले तुझे तेरी डेथ हो जाती है ना, मौत हो जाती है, तो लोगों को कोई दुख नहीं होगा, लोग कहेंगे अच्छा हुआ साला मर गया, जैसे विक्की गोंडर मरा था ना, तो विक्की गोंडर के मरने पे किसी को दुख नहीं हुआ था, और सुखा खालो के मरने पे दुख हुआ था, विक्की गोंडर में ठीक है साला गद्दार था मर गया, और तुझे इतना लाइक करते थे ना, इतना ज्यादा लॉरेंस इतना लाइक करते थे ना कि तू अगर तेरे को कुछ हो जाता तो लोग एक हम जैसे यूथ को मतलब बहुत वो होता कि यार बहुत गलत हुआ, लॉरेंस को कुछ नहीं होना चाहिए था, पर यार भाई तूने अपनी फैन फॉलोइंग प्यार घटा लिया भाई सिद्धू मूसे वाला को मार के, यार इसको नहीं मारना चाहिए था भाई, यार बहुत जनता प्यार करती थी इससे, ये देश क्या हमारा विदेश भी, विदेशों में भी इसको प्यार करते थे, बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार इसको लाइक करते थे, क्रिकेटर्स लाइक करते थे, यार सब जगह से तूने अपनी थू थू करवा ली, सब जगह से तुझे गालियां मिल रही है कि ये लड़का बहन जो गलत किया है इसने, क्यों मरवाया इसने, क्या मिला इसको मरवा के। दोस्तों यार आप बताओ कमेंट्स में कि आपको क्या लगा, यार आपको कैसा महसूस हो रहा है, बहुत गलत हुआ यार, बहुत ज्यादा, क्या बताऊं मैं।